मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, नाउ स्टूडेंट टेक आउट योर पर्ल्स बुक. दिस इज योर पर्ल्स बुक. ओके, एंड अवर सब्जेक्ट इज मैथ्स. ओके, टुडे वी विल डू द न्यू एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स टेक ओपन योर बुक एंड टेक आउट द पेज नंबर 140, 140. टेक आउट द पेज नंबर 140, दैट इज योर 140 पेज नंबर सी. Test of divisibility. Today we will learn the test of divisibility. Okay, a number is said to be divisible by another number if there is no remainder left in the division process. Test of divisibility help us to check whether the number is divisible or not by a given number without actually dividing the number. Means इसमें का क्या कहा गया student? Test of divisibility हमें कैसे पता चलती है? जब हमारा remainder जो होता है जीरो बचता है ना, तब हमें पता चलता है कि ये जो नंबर है वो इस नंबर से डिविजिबल हो सकता है, मतलब डिवाइड हो सकता है. ठीक है, डिवाइड करना पता है सबको. सो डिवाइड करना पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर रिमाइंडर जीरो होगा तो हमें जो आंसर मिलेगा वो नंबर उससे क्या हो सकता है, डिवाइड. ओके, नाउ सी हियर. टू, अगर हमें पता करना है कि ये जो नंबर है टू से डिविजिबल है कि नहीं, तो वो कैसे पता करेंगे? द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 02468. मीन्स जो वंस की प्लेस होगी, जो लास्ट डिजिट होगा ना कोई भी नंबर का, उसकी नंबर पे क्या होना चाहिए? 02468. सो स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट के साथ हम ये वाला टेस्ट भी साथ ही साथ करते जाते हैं. तो लास्ट में नंबर क्या होना चाहिए? 02468. तो इसका मतलब वो नंबर टू से डिविजिबल है. ओके, इसका लास्ट डिजिट वन है, सिर्फ टू की रो में देखना है. ठीक है, इसका लास्ट डिजिट फोर है, सी फोर है, तो ये डिविजिबल है, तो टिक कर दो. सिक्स, सी एट, ये भी डिविजिबल है. नाउ लास्ट में क्या है स्टूडेंट्स? जीरो, सो ये भी डिविजिबल है. अब 9999 है, तो लास्ट में 9 है डिजिट, तो लास्ट डिजिट हमारा 999 है, तो वो नंबर उससे डिविजिबल नहीं है क्योंकि हमें लास्ट डिजिट चाहिए 02468. ओके, अब इधर भी लास्ट में क्या है स्टूडेंट्स? जीरो, तो ये भी नंबर क्या होगा? डिविजिबल. समझ आया? लास्ट डिजिट क्या क्या होनी चाहिए? 02468 so that the number is divisible by 2. Okay, now see 5. The digit at the ones place is either 0 or a 5. Means जो ones की place पे जो digit है या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो ही वो क्या है, divisible. चलो 5 की line में आ जाते हैं. तो last digit है हमारा 1, so ये divisible नहीं है. ये 4 है, ये भी divisible नहीं है, तो wrong. 6, ये भी डिविजिबल नहीं है. 8, ये भी डिविजिबल नहीं है. स्टूडेंट 0, सो ये डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे इसे, राइट. 9, ये डिविजिबल नहीं है. नो, ये डिविजिबल है बिकॉज इसका लास्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स? 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 5. ओके, नाउ सी दिस वन. द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0, मीन्स 10 में क्या होना चाहिए, वो नंबर सिर्फ लास्ट उसका जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए? 0. तो देखो इसकी लास्ट डिजिट 1 है, तो ये क्रॉस आउट हो गया. 4 है, तो ये भी क्रॉस आउट हो गया. 6 क्रॉस आउट, 8 क्रॉस आउट, 0, वेट, 0 है, तो हमें 10 के लिए क्या चाहिए? 0 ही चाहिए लास्ट डिजिट, तो ये हमारा करेक्ट है. 9 रॉन्ग. नाउ 0, या राइट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? वेरी गुड, यू ऑल आर सो स्मार्ट, दैट्स वाई. नाउ सी थर्ड वन. अब 3 से डिविजिबल है वो कैसे पता चलेगा? द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3. मीन्स इनका जो सम है, अगर वो डिजिट 3 से डिवाइड हो पा रहा है तो वो हमारा होगा डिविजिबल बाई 3. चलो पहला वाला हम देख लेते हैं. ठीक है, सो पहले वाले में क्या है स्टूडेंट्स? 8 प्लस 3 कितना होता है? 11. 11 प्लस 1, 12. नहीं समझ आ रहा है 3 से डिविजिबल वाला? देखो इधर करके बताती हूँ मैं. 3 से डिविजिबल होने के लिए ये जो 8 है प्लस 3 प्लस 1, मीन्स 800
31 जो है उन तीनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमें आंसर क्या मिला, 12। अब ये जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, मीन्स 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। अगर 3 के टेबल में 12 नहीं आता है तो आप डिवाइड करके देखो, अगर आता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका आंसर आ जा रहा है 3 के टेबल में तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये डिविजिबल है, इस वजह से इधर क्या होगा, राइट टिक। ठीक है, थर्ड वाले में ऐसा करना है। सी दिस वन, थर्ड वाला, 1024 इज इक्वल टू 1 + 0 + 2 + 4। सो 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7। अब 7 है तो 7/3 मीन्स 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है। सो इधर आप क्या टिक करेंगे, रॉन्ग। समझ आया, वेरी गुड। नाउ सी नेक्स्ट वन, 1296 1 + 2 + 9 + 6। सो 1 + 2 = 3, 3 + 9 = 12 एंड 12 + 6 = 18। सो 18/3 मीन्स 3 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। तो ये आता है तो इधर लिखेंगे हम राइट। ठीक है, सो थर्ड वाला स्टूडेंट्स आपको आगे खुद से करना है और ये आपको नोटबुक में सॉल्व करना है, ये थर्ड वाला। ठीक है, नाउ सी फोर्थ वन, द लास्ट टू डिजिट आर जीरोस आर डिविजिबल बाय 4। मीन्स जो लास्ट टू डिजिट होंगे वो जीरोस होने चाहिए। ठीक है, द लास्ट टू डिजिट आर जीरोस या तो डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। लास्ट टू डिजिट देखने हैं, देखो लास्ट टू डिजिट, चलो लास्ट टू डिजिट देखते हैं 4 में। 31 डिविजिबल बाय 4 नहीं हो सकता है, नो, क्योंकि लास्ट में ही 1 है तो 1 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, सो 24, 4 के टेबल में 24 आता है, 6 टाइम्स आता है तो ये डिविजिबल बाय है। 96, 4 के टेबल में 96 आता है, चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं। 96/4, 4 × 2 = 8। ओके, नाउ 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 6 को नीचे उतार लेंगे, 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स आता है। अब देखो रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि ये डिविजिबल बाई है, तो इधर हम करेंगे टिक। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो बाकी का फोर्थ वाला सम आप खुद से कर लेना है। ठीक है, 6 द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। अब ये तो इजी मेथड है स्टूडेंट्स, ये देखो 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है वो मैं आपको इसी में ही बता देती हूँ। एक रॉन्ग है एक राइट है, तो आंसर क्या आएगा, रॉन्ग। अगर एक रॉन्ग है एक राइट है तो आंसर क्या आएगा, रॉन्ग। अगर दोनों राइट है, 2 के टेबल में भी राइट है और 3 के टेबल में भी राइट है, तो आंसर क्या आएगा आपका, राइट। ओके, समझ आया 6 वाला। अब 9th वाला देखो स्टूडेंट्स, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 मीन्स जो सम होगा वो डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। ठीक है, सो 8+3 कितना होता है, जैसा हम 3 में कर रहे थे ना वैसे ही करना है 9 से डिवाइड करने के लिए। देखो 8+3+1, 8+3 कितना हो रहा है, ये हो रहा है 12। 9 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 9। ओके, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। 1024, सो 1+2 = 3 एंड 3+4 = 7, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, तो इधर भी क्रॉस करेंगे। नाउ 1+2 हाउ मच, यस 3, 3+9 = 12, 12+6 = 18 और 9 के टेबल में 18 आता है, कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। सो ये भी क्या है, डिविजिबल बाई 9 है। सो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है होमवर्क में, एक्सरसाइज 6.6 इन CW, ओके, एंड योर पेज नंबर इज 140। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।